हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साफलानर श्रेणी नवम पिले। आज वीडियो रे तुम इतिहास बहर जो हापिली परीक्षा जो पिला माने हबो, जो थे पिला माने स्पेशली इतिहास रो जो दीटा अध्याय अच्छी जार ना होची विश्वर केतक गुरुत्वपूर्ण अग्रगति जो थे चार्टा पाठ अच्छी, आ द्वितीय अध्याय होची एक नूतन विश्व अभिमुखे जो थे तीनटा पाठ अच्छी। यही दुईटा पाठ पिला माने कौन कौन सब तीन मार्किया प्रश्न आ दुई मार्किया प्रश्न आसो ताको हम आलोचना करवा। जाणी रख जो पाने परीक्षा तुम तीन मार्किया क्वेश्चन तीन टा आस दुई मार्किया क्वेश्चन पे चार्टा आसव आउ चार मार्किया क्वेश्चन दुईटा आसव। यही हिसाब से तुम टोटल मार्क टोटाल 25 मार्क प्रश्न आसव इतिहास नगर विज्ञान रो। तो आज वीडियो आम इतिहास जो दुटा पाठ दुटा जो अध्याय कहली जो थे पाखापाखी चार तीन सतटा पाठ आस पाने से कौन कौन सब तीन मार्किया क्वेश्चन दुई मार्किया क्वेश्चन आसा तक आम डिस्कस करवा। तेनाली मत जमार स्किप करवा नहीं, समस्त आरंभ शेष पर्यटन देखा। अधिका इनफर्मेशन आम टेलीग्राम आउ व्हाट्सअप ग्रुप रे जॉइन होगा जहाँ लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे अवेलेबल अच्छी। ठीक अच्छे, तो चलो स्टार्ट करवा क्लास को। देख पे तुम जब तीन मार्किया प्रश्न पचार मैंने तुम तीन पॉइंट रू चार पॉइंट लिख दुई मार्किया प्रश्न पचार दुई पॉइंट रू तीन पॉइंट लिख चार मार्किया क्वेश्चन पचार चार पांच पॉइंट लिखा चेस्टा कर। तो देखो इतिहास जो प्रथम अध्याय अच्छी तरह किसी इंपोर्टेंट प्रश्न जातिसंघर सभा किपरि गर्त होता तो आंसर हो पार जातिसंघर समस्त सदस्य राष्ट्र ये सभार सभ्य थे प्रत्येक स्वाधीन राष्ट्र सभा को तीन जन प्रतिनिधि पठाई पारे किंतु केवल गोटे भोट्र अधिकार पाते सभार प्रत्येक राष्ट्र स्थान सामान था सभा यार निजर सभापति आठ जन उपसभापति निर्वाचित करुला विभिन्न विषय तदारख करने छटी स्थायी कमिटी और दुईट अतिरिक्त कमिटी प्रत्येक कमिटी निजर चेयरमैन मान निर्वाचन करुला। यह समस्त निर्वाचित कर्मकर्ता सभार साधारण कमिटी गठित होता प्रत्येक वर्ष अंततः थरे यार बैठक बसिया निष्पत्ति होता समस्त सभ्य सम्मति बिना सभार कौन प्रस्ताव गृहत हो पार ना जातिसंघर संपादक मनोनयन सभार कि क्षमता था। नेक्स्ट प्रश्न पे देख शिल्प विप्लव कहले कौन बुझ यह प्रथम केउठे आरंभ होता अष्टादश शताब्दी प्रथम भाग विंश शताब्दी पर्यंत अनेक नूतन यंत्र उद्भावन है से ही जंत्र कलकारखाना मान गढ़ी उठला यही कलकारखाना अल्प श्रम और समय विनिमय दैनन्दिन व्यवहूत द्रव्य मान उत्पादन वृद्धि घटी मनुष्य जीवन जापन में परिवर्तन घटला यहाँ शिल्प विप्लव कहला यह प्रथम इंग्लैंड रे आरंभ होता। नेक्स्ट आसला केरेन्स्की सरकार पतन किपर घटला केरेन्स्की सरकार पतन किपर घटला उल्लेख कर। देखो लेनिन 1917 एप्रिल 16 तारीख में स्विट्जरलैंड आसी पेट्रोग्राड ठारे पहुंची बोल्शेविक दल नेतृत्व नेले एपटे कृषक श्रमिक सैनिक मैंने लेनिन को नेतृत्व को समर्थन जनइले लेनिन और ट्रॉट्स्की बोल्शेविक दल केरेन्स्की सरकार को विरोध कले। 1917 नवंबर 7 तारीख में बोल्शेविक स्वेच्छासेवी मैंने पेट्रोग्राड शहर रेल स्टेशन सामरिक दुर्ग टेलीफोन टेलीग्राफ टेलीफोन कार्यालय और सरकारी कार्यालय को दखल कले कामचला सरकार कार्यालय अवस्थित थिबा जारंक शीतकालीन प्रसाद को अवरोध कले केरेन्स्की छद्मवेश एक अजना स्थान को पलैले बहु सहकर्मी मंत्री मैंने आत्मसमर्पण कर बंदी हेले भाव में केरेन्स्की सरकार पतन होला। आंतर्जातिक न्यायालय कार्यावली उपरे टिप्पणी दियो आंतर्जातिक न्यायालय आंतर्जातिक चुक्तिगुड़िकर शर्त और उद्देश्य को व्याख्या करता है विभिन्न राष्ट्र मध्य पारस्परिक कलह समय आईनगत परामर्श दे था जातिसंघर कोवेनांट को स्पष्ट और बोधगम्य करने सभा और परिषद द्वारा प्रेरित कौन बार सम्बन्धी विषय उपदेशात्मक मत देवा फिलिपाइन्स किपर युक्तराष्ट्र आमेरिकार अधीन दीर्घ दिन रही था। देखो क्यूबा और फिलिपाइन्स स्पेनियन शासन विरुद्ध विद्रोह कले युक्तराष्ट्र आमेरिका स्पेन विरुद्ध युद्ध करास्त कर क्यूबा और फिलिपाइन्स को निजर अधीन को आनला फिलिपिनो मैंने आमेरिका विरुद्ध विद्रोह कले कि आमेरिका विद्रोह को दमन कर फिलिपिन्स आमेरिका अधीन दीर्घकाल व्यापी एक उपनिवेश रूप रही। परवर्ती प्रश्न होला प्रथम विश्वयुद्ध द्वारा समाज किपरि वर्णगत तिक्तता दूर होता वर्णवैषम नीतिर उच्छेद प्रथम विश्वयुद्धर सर्वोत्तम फलाफल अन्यतम युद्ध पूर्व इंग्लैंड लोक मैंने गोरा कला वर्णगत वैषम भारत आफ्रिकार लोक घृणा करते
କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଜାତି ଆଉ ବର୍ଣ୍ଣ ଲୋକମାନେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ଭାରତ ଓ ଆଫ୍ରିକାର ସୈନ୍ୟମାନେ ଇଂଲଣ୍ଡର ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ସହ ମିଶି ଲଢ଼ିବାରୁ ଇଂଲଣ୍ଡର ସହାନୁଭୂତି ଭାରତୀୟ ଓ ଆଫ୍ରିକୀୟମାନଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା, ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଜାତିଗତ ବିଦ୍ୱେଷ ବର୍ଣ୍ଣଗତ ତିକ୍ତତା ହ୍ରାସ ପାଇଲା। ରୁଷିଆର ଜାର୍ ମାନେ କେଉଁ କେଉଁ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ ଲେଖ। ରୁଷିଆ ଶାସନର ସମସ୍ତ କ୍ଷମତା ଜାର୍ଙ୍କ ହାତରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତ ନିଯୁକ୍ତି ଜାର୍ ହିଁ କରୁଥିଲେ। ସେ ଦେଶର ପଦାତିକ ବାହିନୀ ଓ ନୌବାହିନୀର ମୁଖ୍ୟ ସେନାପତି ଓ ରୁଷିଆ ଚର୍ଚ୍ଚର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ। ସେ ଯାହାକୁ ଚାହିଁଲେ ବନ୍ଦୀ କରିପାରୁଥିଲେ ବା ବରାବୃତ ସାଇବେରିଆକୁ ନିର୍ବାସନ କରୁଥିଲେ। ତା ଛଡ଼ା ସେ ମଧ୍ୟ ବିନା ବିଚାରରେ ଯେକୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡର ଆଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରୁଥିଲେ। କ୍ରିମିଆ ଯୁଦ୍ଧ କାରଣ ଓ ଫଳାଫଳ କିପରି ଜାର୍ ଶାସନର ଦୁର୍ବଳତାର ପ୍ରମାଣ ଦେଇଥିଲା ବର୍ଣ୍ଣାଗର। ତୁର୍କୀ ଉପରେ ଅଧିକାରକୁ ନେଇ ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ଦକ୍ଷିଣ ରୁଷିଆର କ୍ରିମିଆ ଉପଦ୍ୱୀପରେ ଯୁଦ୍ଧ ରୂପ ନେଇଥିଲା। ତୁର୍କୀ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଜେରୁଜେଲମ୍ଠାରେ ଗ୍ରୀକ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ରୁଷିଆର ଦାବିକୁ ତୁର୍କୀ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାରୁ ରୁଷିଆ ତୁର୍କୀ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲା। ପରେ ପରେ ଇଂଲଣ୍ଡ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ପିଡମଣ୍ଟ ଆଉ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ତୁର୍କୀ ସପକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗଦେଲେ। ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ଜାର୍ ପ୍ରଥମ ନିକୋଲସ୍ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। 1895 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9 ରୁଷ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇ ସେବାସ୍ତେପୋଲ ଦୁର୍ଗ ସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। 1856 ଫେବୃଆରୀ 25 ଏପ୍ରିଲ 16 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ୟାରିସରେ ହୋଇଥିବା ଶାନ୍ତି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଗୃହୀତ ଅପମାନଜନକ ସର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକୁ ମାନିନେଇ ଜାର୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ସ୍ୱାକ୍ଷର କଲେ। ଏହାପରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ କିଛି ଦୁଇ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ କ'ଣ ହୋଇପାରିବ ଯେ ଜର୍ମାନୀ କିପରି ଭାବେ ଜାତିସଂଘ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରିଥିଲା। ଜର୍ମାନୀରେ ହିଟଲରଙ୍କ ଉତ୍ଥାନ ପରେ 1933 ଜାତିସଂଘର ସଭ୍ୟପଦ ତ୍ୟାଗ କଲା। ସେହି ବର୍ଷ ଜାପାନର ମାଞ୍ଚୁରୀ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପରେ ଜାତିସଂଘ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା 2 ମାର୍କିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍, 1918 ବ୍ରେଷ୍ଟ ଲିତୋଭସ୍କ ସନ୍ଧି କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା, ଏହି ସନ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ରୁଷର କି ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା। 1918 ଜର୍ମାନୀ ସହିତ ବ୍ରେଷ୍ଟ ଲିତୋଭସ୍କ ସନ୍ଧି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ। ଏହି ସନ୍ଧି ଫଳରେ ରୁଷିଆର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଭରା ଅର୍ଦ୍ଧନିୟୁତ ବର୍ଗ ମାଇଲ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ପ୍ରାୟ 25 ନିୟୁତ ଅଧିବାସୀଙ୍କୁ ହରାଇଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା କେଉଁ 2 କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଓ ସର୍ବିଆ ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ତୁର୍କୀର ଅଧୀନସ୍ଥ ବୋସ୍ନିଆ ଓ ହର୍ଜିଗୋବିନା ପ୍ରଦେଶ 2 ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ନିଜ ଦେଶରେ ସାମିଲ କରିବା ବିଷୟକୁ ନେଇ ସର୍ବିଆ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ମଧ୍ୟରେ ଶତ୍ରୁତା ରହିଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଡ୍ରିଆଟିକ୍ ସାଗର ମଧ୍ୟକୁ ସର୍ବିଆର ପ୍ରବେଶ ପଥ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଅବରୋଧ କରିବାରୁ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ସର୍ବିଆ ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। କେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଇଟାଲୀ ଓ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ପ୍ରଥମେ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ମିତ୍ର ଶକ୍ତି ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ଇଟାଲୀ ନିରପେକ୍ଷ ଥିଲା। ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ଫ୍ରାନ୍ସ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଇଟାଲୀକୁ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଓ ତୁର୍କୀର କିଛି ଅଧିକୃତ ଅଞ୍ଚଳ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବାକୁ 1915 ଇଟାଲୀ ମିତ୍ର ଶକ୍ତି ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି 1917 ଜର୍ମାନର ବୁଡ଼ାଜାହାଜ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର କେତେକ ଜାହାଜ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାରୁ ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେହି ବର୍ଷ ଜର୍ମାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। 1918-1924 ରୁଷିଆକୁ କେଉଁ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଥିଲା? 1918 ସମ୍ବିଧାନରେ ରୁଷିଆକୁ ରୁଷୀୟ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ଫେଡେରେଟିଭ ସୋଭିଏତ ରିପବ୍ଲିକ ଭାବରେ ନାମିତ କରାଯାଇଥିଲା। 1924 ଗୃହୀତ ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ରୁଷିଆ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ଏହାକୁ ୟୁଏସ୍ଏସ୍ଆର୍ ୟୁନିଅନ୍ ଅଫ୍ ସୋଭିଏତ୍ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ରିପବ୍ଲିକ୍ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ରକ୍ତାକ୍ତ ପରିବାର କାହିଁକି ରୁଷ ଇତିହାସରେ ସ୍ମରଣୀୟ ରହିଛି? 1905 ଜାନୁଆରୀ 26 ରବିବାର ଦିନ ଫାଦର ଜ୍ଞାପନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବହୁସଂଖ୍ୟକ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀ ଜାରଙ୍କ ଶୀତକାଳୀନ ପ୍ରସାଦ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲେ। ଜାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ସୈନ୍ୟମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଳିଚାଳନା କରିବା ଫଳରେ ଅନେକ ମୃତାହତ ହେଲେ ଓ ଅନେକ ଆହତ ମଧ୍ୟ ହେଲେ। ଏହା ରୁଷ ଇତିହାସରେ ରକ୍ତାକ୍ତ ପରିବାର ଭାବେ ନାମିତ ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଦେଖ 3 ମାର୍କିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଆସିପାରିବ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ବର୍ଣ୍ଣବୈଷମ୍ୟ ନୀତି କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା? ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଔପନିବେଶିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠାରୁ ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର ଆଉ ନିନ୍ଦନୀୟ ଥିଲା। ସେଠାରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗମାନେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ କୃଷ୍ଣଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା ଓ ଶୋଷଣ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଧାରଣା ଥିଲା ଯେ କୃଷ୍ଣଙ୍ଗମାନେ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ନିକୃଷ୍ଟ, ନିଜକୁ ଶାସନ କରିବାର କ୍ଷମତା ସେମାନଙ୍କର ନାହିଁ, ଏଣୁ ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଶାସନ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ଆଉ ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଏହି ନୀତିକୁ ବର୍ଣ୍ଣ ବିଦ୍ୱେଷ ବା ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ ନୀତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। କୃଷ୍ଣଙ୍ଗାୟମାନେ ବା କଳା ଲୋକମାନେ
वर्ण विद्वेष नीति विरुद्ध आंदोलन किपर परिचालना करते किपर परिचालित होता पुस्तक मैंने आफ्रिकीय जातीय कांग्रेस नामक एक संगठन मध्यम आंदोलन चलते दक्षिण आफ्रिकार अवस्थान कर भारत महान मुक्ति संग्रामी मोहनदास करमचंद गांधी नीति आदर्श से आफ्रिका आंदोलन परिचालित होता। सामरिक मेट गठन द्वारा किपर द्वितीय विश्वयुद्ध आरंभ होगा पथ सुगम होता। 1936 मसीह इटाली और जर्मानी एक चुक्ति संपादन करते परस्पर को युद्ध समय साहय कर अक्षय शक्ति नाम एक मेट गठन कले। 1937 मसीह जापान यही अक्षय शक्ति मेटर जोगदेला फल मेट रोम बर्लिन टोकियो अक्षय शक्ति नाम गठित होगा। अंपक्ष इंग्लैंड फ्रांस और युक्तराष्ट्र आमेरिका मिलित हो एक सामरिक चुक्ति स्वाक्षर कले यह फल दुईट परस्पर विरोधी सामरिक गोष्ठी सृष्टि होगा। अफगानिस्तान क्यों देश शासनाधीन रही है बड़ प्रश्न हूँ अफगानिस्तान क्यों देश शासनाधीन रही है यह किए स्वाधीन कराई किए मैंने स्वीकृति देते। अफगानिस्तान प्रथम विश्वयुद्ध शेष पर्यंत इंग्रेज शासनाधीन था। 1919 मसीह राजा को हत्या करपुत्र अमानुल्ला सिंहासन में बसिले से अफगानिस्तान को एक स्वाधीन राष्ट्र बोली घोषणा कले। प्रथम रूस और पर अन्य राष्ट्र मैंने अफगानिस्तान स्वाधीनता को स्वीकृति प्रदान करते। उग्र जातीयवाद कुप्रभाव कौन उग्र जातीयवाद देश गुड़िक केवल निज देश को भल पाइबे और निज देश स्वार्थ साधन चिंता करेंगे। पड़ोसी देश नागरिक प्रति ईर्षा विद्वेष और प्रतिद्वंदितामूलक मनोभाव जाग्रत होने द्वारा शत्रुता वृद्धि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आसला वर्षाई संधि किपर मित्र शक्तिर जन्म प्रति कठोर मनोवृत्ति परिचय देता। आक्रमण भय देखा जर्मानी को भर्साई संधि अपमानजनक शर्त सम्बलित संधि ग्रहण करने को बाध्य कर संधि जर्मानी को दुर्बल करदे देश राजनैतिक अर्थनैतिक सामरिक क्षेत्र में बहु घटना जारी कर जर्मान जनसाधारण क्षुब्ध और तीव्र भाव में असंतुष्ट हो पड़ते आ प्रतिहिंसा परायणता हो जाते। क्वेश्चन देख फाशीवादी शक्तिर उत्थान किपर घटला लेख श्रमिक आंदोलन को दमन करने जमीदार पूंजीपति और शिल्पति मैंने उग्रवादी शक्ति सहयोग लोड़े यही परिस्थिति में सुजोग नहीं केतक स्थान में उग्र जातीयवादी तथा एक छत्रवादी शक्ति मान उत्थान है। ठीक अच्छे ये शक्ति मान फाशिया शक्ति कहगला व्यवहार करथिबारु से दल को फाशीवाद दल आउ से दल चिंताधारा को फाशीवादी बोली कहगला। गणतंत्रवादी बृहत राष्ट्र मान के एक छत्रवादी शक्ति मान प्रोत्साहन कर गणतंत्रवादी बृहत राष्ट्र मान प्रतिवाद करने परिवर्ते परोक्ष समर्थन द्वारा एक छत्रवादी शक्ति मनोबल वृद्धि होगा। बृहत राष्ट्र मान संतुष्टिकरण नीति राजनैतिक निष्क्रियता और उदासीनता एक छत्रवादी शक्ति मान प्रोत्साहन जगह। स्पेन गृहजुद्ध केवे और कहा कहा मध्य होता। 1936 मसीह स्पेन गृहजुद्ध आरंभ होता। यह युद्ध स्पेन निर्वाचित सरकार विरुद्ध में जेनेराल फ्रांको नेतृत्व में सैन्य बाहन एक अंश विद्रोह करते। म्यूनिक चुक्ति क्यों राष्ट्र मान द्वारा कर चुक्ति क्या प्रोत्साहित कर जर्मान सुदेतान अंचल अधिकार को प्रतिरोध नक ब्रिटेन और फ्रांस म्यूनिक ठारे एक चुक्ति करी जर्मान कार्यकलाप को परोक्ष अनुमोदन करते। चुक्ति गणतंत्रवादी बृहत राष्ट्र मान संतुष्टिकरण नीति राजनैतिक निष्कर्षता उदासीनता एक छत्रवादी शक्ति मान प्रोत्साहन करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम विश्वयुद्ध पर कृषि क्षेत्र में किपर संकट देखाई विश्वयुद्ध पर अनेक व्यवसायी वाणिज्य बंद कर विश्वयुद्ध पर अनेक व्यवसाय वाणिज्य बंद हो जाता उत्पादित कृषिजात द्रव्यर बिक्रय बंद हो पारा ना फल कृषि उत्पादन कर राष्ट्र गुड़िक विशेष क्षतिग्रस्त है आ कृषि श्रमिक मान अवस्था खराब है। तो पे प्रकार इतिहास जो सब्जेक्ट प्रश्न अच्छे आम एटे डिस्कस कले आशा करती भिडियो समस्त भल लगे भल लगे लाइक करदे निजर समस्त फ्रेंड को सेयर करवा। थैंक यू सो मच।